हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो पुणे महानगर पालिका की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ। तो लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2021। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उसका एड्रेस मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो 44 डेज़ के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा 44 डेज़ का, और यदि आपकी और नीड लगती है तो यहाँ पे आपको एक दिन की छुट्टी देते हुए आगे 6 मंथ्स के लिए ये वैकेंसी आगे कंडक्ट की जाने वाली है। 6 मंथ्स के लिए आगे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी रहेंगी। 6 मंथ्स का आपका पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा यदि आपकी और नीड लगती है तब। यहाँ पर नीचे आपको देखिए वैकेंसीज बता रखी है, कौन सी पोस्ट है वो बता रखा है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और पे स्केल दिया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले देखिए फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग और फोटो लैमिनेशन, एडवांस कोर्स कलर फोटोग्राफी, कलर प्रोसेसिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, इसको सिखाने वाले के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यदि आपको ये सिखाते आता है और यदि आपको 1 साल का आपका इसके अंदर क्वालिफिकेशन कम्प्लीट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सिखाने का इस सब्जेक्ट को रहना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और 9,750 रुपये पर बैच पे इसके लिए पे दिया जाने वाला है। उसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे वायरिंग, मोटर रिवायरिंग और इलेक्ट्रिक गैजेट्स को ठीक करने के लिए जो टीचर्स रहते हैं उनकी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आपके लिए भी एक वैकेंसी, और आपका 1 साल का इस सब्जेक्ट के अंदर ITI कंप्लीट रहना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपको सेम पे स्केल दिया जाएगा। उसी के बाद में देखिए फ्रिज रिपेयर करने वाले को सिखाने की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए यदि आपका इस सब्जेक्ट में ITI या फिर डिप्लोमा कंप्लीट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस फील्ड के अंदर टीचिंग का, और यहाँ पे स्केल सेम है। उसी तरह मोबाइल को रिपेयर करने वाले के लिए डिप्लोमा या फिर आपका ITI कम्प्लीट है इलेक्ट्रॉनिक में या फिर डिप्लोमा कम्प्लीट है इस सब्जेक्ट के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको भी 2 साल का एक्सपीरियंस सेम दिया गया है। उसी तरह फैशन डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपके लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पे नीचे एम्ब्रॉयडरी टीचर्स इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आपके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी, और आपको इस सब्जेक्ट के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। और यहाँ पे ब्यूटी पार्लर टीचिंग इनके लिए भी, यहाँ पे देखिए आप ब्यूटी पार्लर ABTC CDESCO इसका क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट रहना चाहिए, और यहाँ पे देखिए आपको 2 साल का सिखाने का एक्सपीरियंस चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो 2 व्हीलर्स रहती है उनको रिपेयर करने के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ उस तरह 2 व्हीलर्स रिपेयर करते हो जो असिस्टेंट लगते हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है सहायक के लिए, और यहाँ पे देखिए 4 व्हीलर्स के लिए भी जो रिपेयर करते हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर टाइपिंग टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इंग्लिश जो बोलते हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जेंट्स पार्लर के लिए, और यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स और रेड हैट जो सिखा सकते हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसी तरह कंप्यूटर बेसिक MS CIT टैली 9.0 ERB DTP C++ ये जो सिखा सकते हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आप क्वालिफिकेशन साइट पर से देखते रहिएगा, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको पे स्केल सेम ही दिया जाने वाला है। नीचे सिलाई मशीन जो रिपेयर कर सकते हैं उनके लिए वैकेंसी निकल गई है, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसी तरह एम्ब्रॉयडरी मशीन रिपेयर करने वाले के लिए वैकेंसी निकल गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और उसी के बाद हम देख सकते हो प्रशिक्षण केंद्र समन्वयक इनके लिए जिनका भी MSW कंप्लीट है या फिर एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका MSW हुआ है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएंगी। यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है, और यहाँ पे देखिए 20,160 रुपये पे स्केल आपको दिया जाएगा। उसी के अपने प्रकल्प समन्वयक प्रोजेक्ट काउंसिलर की पोस्ट है जिनके लिए सेम क्वालिफिकेशन है, 2 वैकेंसी निकाली गई और पे स्केल में सेम दिया गया है। गाइस नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट डेट बता रखी है 6 अक्टूबर 2021, और जो स्टार्टिंग डेट थी वो 4 अक्टूबर 2021 थी। मैं आपके लिए वीडियो बना नहीं सका जल्द से जल्द, क्योंकि गाइस मेरे जल्द हॉस्पिटल इशू चालू थे इसके लिए। और यहाँ पे देखिए आपको सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक इस एड्रेस के ऊपर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सब्मिट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से वो देखेंगे हम, आप यहाँ पे एड्रेस देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। यहाँ पे नीचे आपको वैकेंसी बता रखी है वो हमें देखना नहीं है फिर से। उसी तरह यहाँ पे एज लिमिट आपको दिया गया है, तो एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप जो 1 से 18 पोस्ट थी उनके लिए 58 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है, 19 से 20 तक की जो पोस्ट थी और यदि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है उनके लिए और जो अभी काम कर रहे हैं समाज विकास विभाग में, तो आपके लिए यहाँ पे 58 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 ईयर्स तक का एज लिमिट है, और जो जनरल कैटेगरी आपके लिए 38 ईयर्स तक का एज लिमिट दे रखा है। नीचे कैसे आपको फिर से वही क्वालिफिकेशन बता रखा है तो वो हम देखेंगे नहीं फिर से।
उसी के बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। दोस्तों आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रहना जरूरी है या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 10th का वो लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? क्योंकि आपकी एज को चेक करने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, दोनों में से एक चाहिए। उसी तरह यदि आप मैरिड वीमेन हो तो आपके पास यहाँ पे आपके मैरिड सर्टिफिकेट रहना जरूरी है और साथ साथ आपको यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा जो कि नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आपको दिया है, वो हम देखेंगे। उसी तरह देखिए यदि आपका एक्सपीरियंस रहता है समाज विकास विभाग यहाँ का तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। और उसी तरह यहाँ पे देखिए आपके क्वालिफिकेशन के मार्कशीट्स वो भी ज़रूरी है। उसी तरह ये देखिए डॉक्यूमेंट्स आपका भी बता रखे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस के आपके ITI के मार्कशीट्स आपके कंप्यूटर्स के क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स ये सारे मार्क्सिट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, जीरोक्स कॉपी को ओरिजिनल नहीं, आपको जीरोक्स कॉपी अटैच करना पड़ेगा। और ये सारे आपको इस डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे लेके आना पड़ेगा। कब लेके आना है? तो उसकी लास्ट डेट कल की है, 6 अक्टूबर को आपको लेके आना है। तो इस तरह से देखिए आप जब ये डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा और उसके बाद में आगे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो तब आपका आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, पर अभी कुछ बताया नहीं है इस तरह से। तो सभी तो सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पे देखिए आपको महाराष्ट्र के रहना जरूरी है, सिर्फ महाराष्ट्र के रहने पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे नीचे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। गाइज यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स पर से और आपके एक्सपीरियंस पर से होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको नहीं क्या आउट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं आपके 10th के, 12th के, डिग्री के, डिप्लोमा के और इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन के। और यहाँ पे यदि आपको कोई कंप्यूटर जैसा क्वालिफिकेशन रहता है तो उसके मार्क्स आपको अभी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10th में यदि आपको 35% से 44% रहते हैं तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, उससे यदि ज़्यादा रहते हैं तो 3 मार्क्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्राइटेरिया आपको दे रखा है। उसी तरह 12th के लिए है और यहाँ पे आपकी डिग्री के लिए और आपके पोस्ट डिग्री के लिए और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे दिया गया टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये एक बार नोटिफिकेशन में आपके आपको देख लेना पड़ेगा। नीचे एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया दिया गया है, इसके बेसिस पे आपका एक्सपीरियंस अभी चेक किया जाएगा और इसके बेसिस पे आपका क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा। तो नीचे देखिए क्वालिफिकेशन का तो हमने देख लिया, आप एक्सपीरियंस का देखिए। यदि आपको समाज विकास विभाग में एक्सपीरियंस रहता है तो आपको टोटल मार्क्स दिए गए 20। और यदि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर दूसरा किसी प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे एक्सपीरियंस के, तो वो आउट ऑफ मार्क्स है। लेकिन आपको यदि 1 साल का, 0 से 1 साल का रहता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आपको वो भी कहाँ पे, समाज विकास विभाग में, और यदि आपको किसी अदर सेक्टर में रहते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे 0 से 1 साल के, और उससे ज़्यादा का रहता है 1 से 5 साल तक का तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आउट ऑफ देखिए आप कंपेयर करते जाइए, तो इस तरह से आपको एक कंपेयर कर लेना है। ये आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है और आपका सिलेक्शन आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स और एक्सपीरियंस पर से होने वाला है। नीचे देखिए आपको एप्लीकेशन दिया गया है तो ये आपको पूरी तरह से फिलअप कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इसकी और फिलअप कर लीजिएगा। इनकम्प्लीट फिलअप मत करिएगा क्योंकि इनकम्प्लीट फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये आपको पूरी तरह से फिलअप कर लेना है और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहता है वो फिलअप करिएगा, नहीं रहता है तो इनकम्प्लीट छोड़ सकते हो। यहाँ पे इस तरह से क्वालिफिकेशन आप डाल दीजिएगा और ये फिलअप करने के बाद नीचे आपको देखिए सेल्फ सर्टिफिकेट दिया गया है तो ये भी आपको फिलअप कर लेना है। ये एक एग्रीमेंट की तरह है तो ये आपको फिलअप कर लेना है और ये अटैच करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। तो इस तरह से गाइस ये नोटिफिकेशन अभी के अभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लाइक करिए, आपके सारे दोस्तों को शेयर करिए। अर्जेंट में मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।